छोड़कर छपरा में वकालत शुरू की। नगरपालिका के उप नगरपाल के रूप में उन्होंने जो सेवा दी वह आज तक छपरा वासियों को याद है। राजनीति करने वाले सभी उनको बार बार इस बात को दोहराते कि जिस तरह से बजरुल हक साहब ने नगरपालिका का जो रूप छपरा में दिया शायद किसी ने नहीं किया। आज उन्हीं की देन है कि छपरा में नगरपालिका का यह विस्तृत स्वरूप दिख रहा है। इतना ही नहीं बल्कि वे एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति थे। वे सर्वदा सच्चाई की राह पर चलने वाले थे। सन 1906 में वे पुनः पटना आए और यहाँ वकालत करने लगे। थोड़े दिनों में ही उनकी वकालत इतनी अच्छी हो गई कि पूरे देश में इनका नाम फैला कि पटना में यदि कोई एक अच्छा वकालत करने वाला कोई व्यक्ति है तो मजरूल हक साहब है। सुनो, उसके बाद फिर वे निर्भीकता और नैतिकतावाद से अपने आप को जोड़कर इस प्रकार अपने आप को स्थापित किया जैसे चांद जिस तरह से अपने को स्निग्ध होता है उस तरह से अपने आप को स्थापित किया। देश की दास्ता की तरफ उनका ध्यान बराबर जाता था और अंतर्व्यथा मन में बार बार कौंधती रहती थी। इस अंतर पीड़ा से बराबर वे पीड़ित रहते थे। एक दिन वे होम रूल जो आंदोलन चल रहा था बिहार में और पूरे देश में उसमें वे कूद पड़े। सन 1909 में उन्हें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष चुना गया। इतना ही नहीं बल्कि जहां अपनी उत्कृष्ट सेवा की भी जरूरत पड़ती थी वे वहां खुलकर काम करते थे। मजरूल हक साहब ने पूरी जीवन पर्यंत का जो उनका वातावरण रहा ऐसो आराम का सुखमय जीवन का, लेकिन इसके बावजूद भी 6 फुट का यह ऊंचा जवान चमकता हुआ भव ललाट, चमकती हुई छाती, चमकता हुआ चेहरा, सिल्क सज्जा और सेंट से जगमगाता शरीर बड़ा ही आकर्षक लगता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके अंदर घमंड नहीं था। आज थोड़ी सी किसी को कुछ चीज़ मिल जाती है, थोड़ा सा कुछ यश मिल जाता है तो मद में अपने आप को विचलित होने लगता। लेकिन मौलाना मजरूल हक विचलित होने वाले में से नहीं थे। वे सब कुछ होने के बाद भी धीर, गंभीर और अनुशासन के पथ पर चलने वाले। इन सब स्थितियों के बाद जातिवाद और संप्रदायवाद से भी कोसों दूर थे। धर्मनिरपेक्ष था तो इस सीमा तक कि एक प्रतिभाशाली मुसलमान छात्र जो उनके यहाँ रहकर पढ़ रहा था वो एक छोटी सी संप्रदाय की बात पर घर से निकाल दिया गया और बड़े बड़े हिंदू लोग के कहने पर भी उसे पुनः अपने दरवाजे में फटकने नहीं दिया। हिंदू मुस्लिम की बात उसने सिर्फ किया था उस बच्चे ने, लेकिन उनको यह गमारा नहीं था कि जो बच्चा यह मेरे घर में रहकर और हिंदू मुस्लिम संप्रदायी विचारधाराओं की बात करता है उसे कैसे मैं रहने दूँ। उसे निकाल बाहर किया उन्होंने। इस प्रकार उनकी इस विचारधाराओं से स्पष्ट है
कि वे हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे, और इसी विचारधारा को लेकर उन्होंने आगे की राजनीति भी की। वे ईमान पर चलना चाहते थे। सन 1914 में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड गया, जिसमें अजरुल हक साहब भी एक नेता के रूप में गए थे, भारतीय नेता के रूप में, प्रतिनिधित्व करने के रूप में। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मौलाना ने एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया था। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष का पद इन्होंने ही संभाला था। बिहार के चंपारण में जब निरहा आंदोलन की शुरुआत हुई, उन्होंने गांधी जी के साथ उनके एक मजबूत हाथ के रूप में काम किया था। अपनी निर्भीकता और स्पष्टवादिता के लिए उनको सन 1922 में 3 महीने की कठोर सजा मिली अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा। इतना ही नहीं बल्कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनकी दिशा को कभी भुलाया नहीं जा सकता, उनके किए हुए कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने इस क्षेत्र में भी सराहनीय कार्य किया। उन्होंने मदर लैंड नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन किया, इसके संपादक भी खुद थे। मदरलैंड के लेखों में बिहार सरकार को झकझोर दिया था। उस समय बिहार में किसकी सरकार थी? अंग्रेजी हुकूमत की सरकार थी। वे अक्सर कहा करते थे, उनके लफ्ज़ एक एक शब्द अर्थ से युक्त है, किसी के जख्म को मरहम दिया है गर्तों ने, समझ ले तूने खुदा की बंदगी की है। ये उनके विचार थे, उनकी लफ्ज भी जो होते थे, शब्दों के लफ्ज जो होते थे, वो क्रांतिकारी विचारधाराओं से बड़ा होता था। ऐसे थे हमारे मजरूल हक साहब। देश के लिए मजरूल हक साहब ने अपनी कुर्बानी दे दी, बलिवेदी पर अपने आप को नौछावर कर दिया, लेकिन कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। अगर वे सब कुछ नहीं भी करते तो भी सदाकत आश्रम बिहार में, जो अभी वर्तमान में सदाकत आश्रम आज भी जो कांग्रेस का कार्यालय के रूप में है, और बिहार विद्यापीठ की स्थापना ही उनके लिए काफ़ी था। यह स्थापना मजरूल हक ने ही की थी। आज मजरूल हक नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए हुए कार्य की निशानी आज भी है बिहार में। यहाँ तक कि जब उनके शेष जीवन का दौर आया तो उन्होंने सदाकत आश्रम में जीवन बिताया।